अस्सलाम वालेकुम। मैं जब स्कूल में था तो कभी हमारे दोस्तों की आपस में लड़ाई हो जाती तो मेरे दोस्त कहा करते थे कि लड़ाई में भी कभी माँ की गाली नहीं देनी, क्योंकि माएँ सबकी एक जैसी होती हैं। ये मिसाल सुनते सुनते ज़िंदगी गुजर गई और इस मिसाल का अमली मुजाहरा मैंने उस वक्त देखा जब नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। आफ़ी ने नीरज चोपड़ा की वालदा से पूछा कि आपके बेटे ने सिल्वर मेडल जीता है, आपको कैसा फ़ील हो रहा है? तो उन्होंने उस पर जवाब दिया, नहीं जान तो बहुत खुश है, हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वर्गा लग रहा है, गोल्ड उसका गया, वो बीमार है लड़का, जो मेहनत करके सब जा रहे थे। नीरज चोपड़ा की वालदा की यह स्टेटमेंट सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने सोचा कि मेरे दोस्त बिल्कुल ठीक कहा करते थे कि माएँ सबकी एक जैसी होती हैं। आप सबको मालूम है कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतने के बाद अर्शद नदीम के पास पाकिस्तान का फ्लैग नहीं था और वो हेजिटेट फील कर रहे थे तस्वीर बनवाने के लिए, जब जर्नलिस्ट उनसे कहा कि अब तस्वीर बनवाएं। नीरज चोपड़ा ने जब देखा कि अर्शद के पास फ्लैग नहीं है तो उन्होंने कहा कि अर्शद भाई आप मेरे साथ आके मेरे फ्लैग के साथ तस्वीर बनवा लें। ये तस्वीर सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई और मैं काफ़ी दिन तक ये बात सोचता रहा कि एक दूसरे मुल्क का शख्स जो है स्पोर्ट्समैन, वो ये कैसे कह सकता है एक पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन को कि वो आप मेरे साथ आके तस्वीर बनवाएं। लेकिन जब मैंने नीरज चोपड़ा की वालदा की ये स्टेटमेंट सुनी तो मुझे तब इस चीज़ का पता लगा कि नीरज चोपड़ा के पास ये तमाम अखलाकियात उनकी वालदा से आई हैं, क्योंकि हम दुनिया में बुरी चीज़ें कहीं से भी सीखें, अच्छी चीज़ें हमेशा अपनी वालदा से सीखते हैं। और किसी ने खूबसूरत बात कही थी कि अगर दुनिया पे माएँ हुकूमत करती तो दुनिया में कभी कोई जंग ना होती। जिस वक्त अर्शद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता उस वक्त सोशल मीडिया पर इस खबर के अलावा और कोई ख़बर नहीं थी। मेरी नज़र से इंडियन यूट्यूब चैनल की एक वीडियो गुजरी जिसके अंदर उन्होंने टाइटल लगाया हुआ था कि नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। उस पर इंडियन लोगों के कमेंट्स सुन के मुझे इतनी खुशगवार हैरत हुई कि लोगों ने उसके ऊपर लिखा हुआ था कि आपको अपना टाइटल चेंज करके अर्शद नदीम के गोल्ड मेडल का जिक्र करना चाहिए। और आखिर में मैं नीरज चोपड़ा की वालदा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और अपने पड़ोस में रहने वाले उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने कुछ लम्हों के लिए ये भुला दिया कि नीरज चोपड़ा का ताल्लुक किस मुल्क से है और अर्शद नदीम का ताल्लुक किस मुल्क से है। अल्लाह ताला ये मोहब्बतें हमेशा सलामत रखे, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।